नमस्कार, मैं विक्रम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का विशेष कार्यक्रम अनन्य बात। आज अनन्य बात में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर। जोगिंदर जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि आप एक स्पोर्ट्समैन थे, स्पोर्ट्स छोड़ करके राजनीति में आए, क्या मुख्य वजह रही? नहीं, मैं स्पोर्ट्स छोड़ा नहीं, मैं आज भी फुटबॉल खेलता हूँ। और एक जो देहरादून एक हब था फुटबॉल का, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने देहरादून में फुटबॉल भी खेली है। जिप्सी फुटबॉल क्लब का मैं सदस्य भी रहा हूँ, जिला फुटबॉल संघ का मैं यहाँ पे जिले का 7 साल मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और अभी भी जो एक 55 साल पुराना जिप्सी फुटबॉल क्लब है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और मैं उसको चला रहा हूँ। और बच्चों को मैं अभी भी शाम को अपना उनके साथ खेलता भी, उनको जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा उनको भी सिखाता हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य अलग है, लेकिन फुटबॉल और एक जो खेल की अपनी चाहत है वो अलग है। देखिए, फुटबॉल पे अगर चर्चा करेंगे तो उत्तराखंड तो आपको पता ही है, देहरादून में जब फुटबॉल मैच हुआ करते थे तो पूरा लगभग देहरादून कहा जाए कि जब मैच होता था तो देहरादून उमड़ करके आता था देखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो राजकीय खेल हमने बनाया है फुटबॉल को, अब यहाँ पे लगता नहीं कि फुटबॉल जो है वो उत्तराखंड में है। नहीं देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक समय देहरादून में फुटबॉल का एक अपनी अलग पहचान थी और पवेलियन में इतना ज़बरदस्त माहौल था कि लोग टिकट की लाइन में खड़े रहते थे, तब जाके उनका नंबर आता था। क्योंकि उस समय मोहन बागान ईस्ट बंगाल के समकक्ष यहाँ पर जो हमारी देहरादून की जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग थी उसका इतना अपने आप में एक इतना चाम था कि मतलब पेड़ों पे चढ़ चढ़ के लोग, और पवेलियन तो भरा रहता था पेड़ों पे चढ़ चढ़ के। उस समय एक उपलब्धि ये थी कि हमारी यहाँ पे जो रेजिमेंट थी 5GR गोरखा रेजिमेंट यहाँ पे थी, तो उस समय फुटबॉल का एक अलग ही वो था। लेकिन दुर्भाग्य ये कि धीरे धीरे जो खेल संघों की एक अपनी मोनोपोली रही, उन्होंने अपनी कठपुतली बना दिया यहाँ के क्लबों को। मैं और मेरे सहयोगियों ने बहुत भरपूर प्रयास किया, इस जब अपना प्रदेश बना तो हमने फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कराया। खेल मंत्री उस समय हमारे माननीय खजानदास जी ने उस बात को देखते हुए उसको राज्य खेल घोषित किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से प्रदेश बना तब से कुछ व्यक्ति विशेष की एक लॉबी बैठी है जो कि अपने अनुसार इस फुटबॉल को, हकीकत में उन्होंने फुटबॉल बना दी, कोई इधर पाँव मार रहा कोई इधर पाँव मार रहा। लेकिन हमारे यहाँ आप देखो कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज गढ़वाल हीरोज के नाम से दिल्ली में हमारे बच्चे अदर स्टेट में जाके खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना था आज उसकी कमी है। ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान बने वर्ल्ड कप लेकर के आए तो यहाँ के लोगों ने कहा कि वो उत्तराखंडी है। लेकिन जब बात आती है कि आपको कुछ करना है तो वहाँ फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब से राज्य बना मैं ये देख रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री आता है वो कभी आयुष प्रदेश बनाता है, कभी ऊर्जा प्रदेश बनाता है, कभी पर्यटन प्रदेश बनाता है। तो एक दिशा में राज्य बनने के बाद मुझे लगता है कि हम भटक रहे हैं, हमें किस दिशा में चलना है वो अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसा आपको भी मुझे लगता है कि लगता होगा। देखिए, ये जो यहाँ के मूल हैं वो प्रत्येक इस प्रदेश और प्रदेश के जितने भी हम मूल यहाँ के हैं एक पीड़ा है। आज 21 साल हो गए जिस निमित्त हमारा प्रदेश बना था, जो आंदोलनकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिन लोगों ने इतना त्याग बलिदान किया तब जाके प्रदेश बना। लेकिन उनकी भावनाओं के अनुरूप शायद उस प्रदेश में काम करने की आज भी बहुत आवश्यकता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने और वर्तमान में जो अपनी सरकार है उसने काम तो बहुत किए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में मैं समझता हूँ कि आज हमारे प्रदेश को एक जो नौजवान होता है वो दौड़ना चाहिए था, लेकिन आज हम उस दौड़ में शामिल नहीं हो पाए। ये एक प्रत्येक जो उत्तराखंडी है उसकी प्रत्येक उत्तराखंडी की पीड़ा है। लेकिन मैं निवेदन करूँगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से कि इस काम को अब जितना जल्दी हम गति देके अपने प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाएं तो ये हम सबका एक सौभाग्य होगा। लेकिन गति मिलती हुई दिखाई तो दिन नहीं दे रही है। 4 साल जो है TSR 1 ने काटे, अब उसके बाद TSR 2 आ गए, लेकिन अधिकारी तो वही है। और जो कहा जाता है कि अधिकारी जो है वो नेताओं की बात नहीं सुनते,
तो इसका मुख्य कारण तो यही लगता है क्योंकि जो TSR 1 का जो कार्यकाल था उनके जितने फैसले थे TSR 2 ने आने के बाद जो है उन फैसलों को बदला, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि TSR जो 2 हैं वो जनता से सीधा कनेक्ट है, जनता की बातों को सुन रहे हैं और जनता के आधार पर फैसला ले रहे हैं, लेकिन जो TSR 1 थे उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जिसको तत्काल TSR 2 ने आते ही, जैसे आपका गैरसैंण में उन्होंने जो घोषणा की कमिश्नरी की उसको आते ही उन्होंने बदला। देखिए हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो अपने काम किए 4 साल का, उनका एक अपना महत्व है, उन्होंने भी प्रदेश और सुदूरवर्ती पर्वतीय जो ग्रामीण क्षेत्र था उनके लिए रोजगार, जो हमारा बेरोजगार था उसके लिए रोजगार के लिए और रिवर्स पलायन के लिए उन्होंने भी बहुत काम किए, और अब जो हमारे तीरथ सिंह रावत जी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपने गैरसैंण मंडल की बात की है उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल के जो लोग हैं, जो दो उसमें है ये, तो उसमें कहीं ना कहीं कुमाऊँ मंडल के लोगों को ये था कि भाई गैरसैंण मंडल बना के कुमाऊँ के जो दो जिले आपने लिए तो उसमें उनका वो था, तो उसमें आपसी सहमति अगर जो उस समय, तो अभी आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बोला कि मैंने सभी विधायकों से बात करके ये काम किया था, लेकिन फिर भी अगर जो केंद्र के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कुछ तीरथ सिंह रावत जी को बोला है और कुछ फैसलों से अगर जो आपस में कुछ गलतफहमी थी तो उनको अगर जो उन्होंने पलटा है तो वो भी प्रदेश के हित में ही है और संगठन के हित में ही है। त्रिवेंद्र जी जो आज बात कह रहे हैं कि हमने विधायकों से बात करने के बाद कमिश्नरी की घोषणा की, लेकिन मैं जब गैरसैंण में था, जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की बात थी तो त्रिवेंद्र जी ने मुझे स्वयं ये बात कहा कि मैंने सिर्फ मदन कौशिक से घोषणा करने से पहले डिस्कस किया, उनको बताया। तो क्या वो एक तरफा काम कर रहे थे, वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे थे? क्योंकि दो बातें आती है सामने, जब उन्होंने घोषणा की बात की थी ग्रीष्मकालीन राजधानी की, मैंने स्वयं उनसे इस बात को पूछा था, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जब कमिश्नरी की बात की तो उन्होंने विधायकों से, अगर वो विधायकों से राय लेकर के उन्होंने किया तो फिर ये विरोध क्यों, नेतृत्व परिवर्तन क्यों? देखिए नेतृत्व परिवर्तन ये अपने जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है ये उनका मामला है, इसमें आप और हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो जहाँ तक ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात तो इस गवर्नमेंट में नहीं, जब पूर्व में हमारे माननीय खंडूरी जी थे और मदन कौशिक जी उस समय, ये तो उस समय ही ग्रीष्मकालीन राजधानी तो हमारी गैरसैंण तभी बन गई थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण उसको हम सिरे नहीं चढ़ा पाए थे। ये नहीं आप कह सकते कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किसे बिना सलाह मशवरा के, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में ही एक वो थी योजना कि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बननी चाहिए। लेकिन डबल इंजन की सरकार दी है उत्तराखंड वासियों ने, उनका क्या दोष है? वो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम डबल इंजन की आप सरकार बनाओ, हम यहाँ पे चौमुखी विकास करेंगे, लेकिन जिस तरह से अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। रोजगार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर नजर आई। डबल इंजन की जो बात की, डबल इंजन में अगर देखा जाए तो केवल ऑल वेदर रोड को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा अन्य चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। ग्राउंड पे मतलब पब्लिक को जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखें आप डबल इंजन नहीं, मैं तो इसको ट्रिपल इंजन बोलूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश की जनता है वो अधिकांश जो हमारे वोटर सपोर्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और मन से जुड़े हुए हैं। आप डबल इंजन नहीं, मैं ट्रिपल इंजन, क्योंकि निगम में भी हमारी सरकार है, निगम, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख अधिकांश हमारे लोग हैं। और अगर जो आप बात कहेंगे कि विकास नहीं दिख रहा, तो ग्रास रूट पर आप देखो तो चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे हमारे महिला समूह के द्वारा जो हमारे ब्याज ऋण मुक्त 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का ऋण, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारी महिला उद्यमी हैं, उनके लिए आप देखो कि कितना काम हुआ है। और हमारा जो एक सपना है, जो पंडित दीनदयाल जी का भी सपना था और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है और प्रत्येक भारतीय का सपना है कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारी शिक्षा संस्कार परक और रोजगार परक होनी चाहिए। उसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने रिवर्स पलायन आयोग पर भी चर्चा की और सहकारिता के माध्यम से आपने देखा, कृषि के माध्यम से देखो, पशुधन के माध्यम से देखो, आप मत्स्य पालन या और विभिन्न योजना सहकारिता के माध्यम से हम लोगों
लोगों को प्रयास ये करने की इस कोविड के कठिन समय में जितने हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई आए हैं वो यहीं पे रह के रोजगार करें और अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार काम खुद भी करें और चार अपने साथ के लोगों को भी आप काम पे लगाएं। उसके लिए हम सहकारिता के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से जो कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट है, विभिन्न लगभग 80 से ज़्यादा योजनाओं पर काम चल रहा है जिससे कि अपना प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बने। और ऑल वेदर रोड की बात कहो आप, किसान सम्मान निधि की बात कहो आप, और किसानों को 5 लाख रुपए तक का, 3 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण जो है बिना किसी उसके ऋण के ब्याज मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अगर जो ये कह रहे हैं कि सरकार फेलियर है तो मैं नहीं मानता फेलियर। अगर जो आपको ये लग रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन, तो भारतीय जनता पार्टी में इतने काबिल लोग हैं कि आप अगर जो एक को लाइन से हटाओगे तो पीछे 10 उतने ही काबिल और खड़े हैं। देखिए, काबिलियत की तो बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे लगता है तो छलावा है। अगर काबिल होते तो कैबिनेट जो है वो पहले ही पूरी भर जाती। नहीं, कैबिनेट तो आप देखो कि कैबिनेट तो पूरी भरी थी, लेकिन किसी कारण से अब ये वही कारण तो जनता जानना चाहती है। जनता ने वोट किया, 57 सीटें दी, और जनता जो है वही तो चाहेगी ना कि हाँ पूरी कैबिनेट हो। पूरी कैबिनेट आप लोगों ने भरी नहीं, काबिल विधायक आपको मिले नहीं। विधायक अगर काबिल होते तो आपको सांसद से मुख्यमंत्री नहीं बनाना पड़ता। तो यहाँ पे काबिलियत, आप किस काबिलियत की बात कर रहे हैं? आप ये देखें कि अगर जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का निजी या कुछ उनका शीर्ष नेतृत्व से जो भी उनका आचार विचार होगा, अगर जो उन्होंने, मेरा सवाल पुंडीर जी ये है, आपने कहा विधायक काबिल हैं, एक के बाद एक काबिल हैं, अगर वो सारे काबिल विधायक हैं तो फिर मुख्यमंत्री के लिए सांसद को क्यों चुनना पड़ा? एक और चुनाव होगा, दो चुनाव फेस करने हैं आपको, लोकसभा भी करना है और आपको विधानसभा भी करना है, तो जनता का तो मूर्ख बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं काबिल है विधायक? नहीं, जनता का मूर्ख नहीं बनाया जा रहा। आप देखें, तीरथ सिंह रावत जी ने भी बहुत संघर्ष किया, उनका भी अपना छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति में इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ काम किया है। और आपने देखा होगा कि उस समय जब सतपाल महाराज जी को पार्टी ज्वाइन कराई थी तो उन्होंने बड़ा त्याग किया था। आज हो सकता है कि उनके उस त्याग का ही शीर्ष नेतृत्व ने उनका प्रतिफल दिया हो, इसमें ये नहीं है कि नाकाबिल की बात है। और तीरथ सिंह रावत जी ने बनते ही पूरी कैबिनेट बना के दी आपको? नहीं, पूरी कैबिनेट तो तब बना के दी जब जो है दोबारा से उनको, मतलब विधायक हटे, नाराजगी जो दूर करनी थी उसी नाराजगी के कारण ही तो पूरी कैबिनेट को तैयार किया गया। नहीं, मैं नहीं समझता कि तीरथ सिंह रावत जी से कोई नाराज होगा या उन्होंने किसी की नाराजगी दूर करी। वो तो जैसे ही बने, उनको बनने के 36 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं अपने। चलिए, क्योंकि आप अभी उत्तराखंड की बात हो रही थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शायद आप स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन किसान नेता हैं आप, सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा जब तीरथ जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो सारे समीकरण देखे गए, उनमें कहा गया कि अगर अजय भट्ट नैनीताल सीट छोड़ते हैं तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, अगर निसंग जी हरिद्वार सीट छोड़ते हैं तो हरिद्वार सीट नहीं जीत पाएगी। तो क्या किसानों का डर था जो ये दो बड़े नेता, अजय भट्ट जिन्होंने सरकार यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बाद उन्होंने सरकार यहाँ पर बनाई, 57 सीटें लेकर के आए, निसंग जी जिनका अनुभव सरकार चलाने का रहा, पूर्व मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, तो क्या किसानों के डर से ये दो नेता जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड प्रदेश का किसान आपने कहीं इतना नाराज या धरने प्रदर्शन में लिप्त नहीं पाया होगा, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश को माने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा कृषि विधेयक था, ये आपके नज़र से कह सकते हैं कि आपको किसान नहीं दिखाई दिए। मैंने तो बहुत सारी खबरें की, हमने खबरें चलाई काशीपुर से, उधम सिंह नगर से, हरिद्वार से किसान गए। कुछ वो किसान लोग थे जो पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे, बाकी आम किसान तो अपने खेत में था। तो और प्रत्येक ये दूसरा ये भी तो कह सकता है विरोध करने वाला कि वो किसान हमारे साथ नहीं आ रहे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, ये तो आप किसी तरह से बात को विपक्ष के जो लोग कैसे ही तोड़ मरोड़ के पेश कर दें, लेकिन पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया, और कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती कि उसके देश की जो रीढ़ है, जो किसान है, वो परेशान रहे।
प्रत्येक सरकार का ये मन था कि किसान खुशहाल रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, ये सिर्फ उनका निर्णय नहीं था, ये कितने साल तक ये मंथन चल रहा था तब जाके ये कृषि विधेयक लागू हुआ और ये किसानों के हित में है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे अपने छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में भी 231 क्रय केंद्रों पर मैक्सिमम जो गेहूं की खरीद हुई है उसमें आप देखो जो सरकारी रेट था उससे 25 रुपये और MSP से 25 रुपये फालतू मिले। पंजाब में देखो कहां कहीं विवाद है, आज किसान खुश है, किसान ने सोचा भी नहीं था। जो लोग किसानों को बरगला रहे थे कि MSP के नाम पे तुम्हें ठगा जाएगा, पहले वही लोग बोल रहे थे कि मंडी बंद हो जाएंगी, MSP बंद हो जाएगी, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे केंद्र के और मंत्री थे उन्होंने लगातार किसानों को समझाया, लगातार कॉन्फ्रेंस करके समझाया कि जो व्यक्ति आपके दम पर पूरी मेजोरिटी में दूसरी बार चुन के आया है, जिसने किसानों की आय दोगुनी करने का वचन दिया है, वो क्यों आपके साथ कोई ऐसी बात करेगा कि जिससे कि आपका नुकसान हुआ। MSP बढ़ा के डबल में मिली है। आज गेहूं का रेट आप देखें, आप बताओ कि पंजाब में या हरियाणा में जो कि सबसे ज्यादा लोग परेशान थे कि आज वहाँ पे क्रय केंद्रों पे गेहूं की खरीद MSP से कम हो रही है और बोनस के रूप में 20 कहीं 25 कहीं 30 रुपए उनको सरकार ने फालतू दिया है, और जितने हमारे विक्रय केंद्र हैं, जितने हमारे क्रय सेंटर हैं, वहाँ सब पे बहुत अच्छे से सब काम चल रहा है। देखिए, मुझे तो ये बात समझनी है क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी को, किसान के साथ जो जुड़ा हुआ आम आदमी है, वो उसको ये लग रहा है कि वो आटा अगर पैकेट में किसी मॉल से ख़रीदता है तो वो 10 किलो उसको 500 रुपये का पड़ रहा है, वो गेहूं लेकर के चक्की में पिसा करके वो घर पे ला रहा है तो वो उसको 250 रुपये का हो रहा है। तो ये जो दूरी है, जो आदमी जिसको समझ रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो पानी की बोतलें हैं उनके रेट आप देख लो, तो उसको कैसे दूर करेंगे, क्योंकि ये काम तो सरकार का ही है ना। सरकार ने अच्छे दिन के वादे करके सत्ता में आई, अब सत्ता में आने के बाद सरकार बता ही नहीं पा रही है आम लोगों को कि हाँ ये आपका फायदे में है, ये नुकसान में है। नहीं नहीं, ये आप ये बात, मैं खुद एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ खुद हमारा खेती प्रमुख हमारा कार्य है। ये पीड़ा सबकी रहती है किसान की कि मेरे खेत में जब आलू पैदा हो रहा तो वो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो, जब मैं बाज़ार में जब वो कोल्ड स्टोर में से आता है तो वो 30 रुपये 25 रुपये के हिसाब से मिलता है। और चिप्स की अगर जो बात कर रहे हैं तो ये काम तो देखो जो मल्टीनेशनल कंपनी है और ये जो बाज़ार है ये कोई भारतीय जनता पार्टी का या माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित करा हुआ नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा है आत्मनिर्भर भारत में, यही कहा है कि जितना हमारा जो रोज़गार है, जो नौजवान है, जो महिला हैं, वो ये काम स्वयं करें, वो स्वयं अपना उत्पाद तैयार करके बाजार में बेचें, जिससे जो पैसा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कमा रही हैं वो पैसा हमारा जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग वाले हैं वो ये व्यवसाय खुद करके खुद आत्मनिर्भर बने, देश का पैसा देश में रहे, किसान का पैसा किसान का बच्चा कमाए, यही उनकी योजना है, आत्मनिर्भर भारत का यही एक सपना है। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। सबसे पहला गैस, दूसरा पेट्रोल। आपने जब आप विपक्ष में थे लगातार आप केंद्र सरकार के ऊपर हमला करते थे कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब क्या हो गया, अब क्यों भाजपा जो है वो इन चीज़ों को कम करने की जगह वो लगातार बढ़ रहा है। जो चीज़, जो पेट्रोल हमें पहले मिलता था 55 रुपये 60 रुपये मिलता था, उसका आज रेट देख लो, आज गैस सिलेंडर का रेट देख लो, आपने सब्सिडी धीरे से गायब कर दी। पेट्रोल आप अगर कार्ड से भराते थे तो जो पैसा रिटर्न आता था सब्सिडी के तौर पर वो भी समाप्त हो गया। तो ये तो एक छलावा सा नहीं है? नहीं, छलावा नहीं है। आप देखें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत पर अब पेट्रोल डीजल और गैस सब वही निर्भर है, और तो इस पहले तो पहले, पहले भी था और अभी भी है। फिर क्यों शोर करते थे? नहीं, अब जो आपने देखा होगा जो 1-1.5 साल से कठिन समय कोविड का है, इस दौरान जो लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री में जो खाद्यान्न मिल रहा, इतनी सुविधाएं मिल रही, जो उज्ज्वला योजना में जो इस कठिन दौर में भी घर घर में उनको गैस निःशुल्क मिली, ये पैसा अगर जो 2 पैसे सरकार के पास आ भी रहे तो कहाँ जा रहे? वो इस देश के जो गरीब, अभावग्रस्त, वंचित
दबे कुचले लोग, पिछड़े लोग हैं, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, उन्हीं के काम आ रहा है पैसा। ये योजनाएं तो उनको पहले भी उनका लाभ मिल रहा था। पहले कौन सी उज्ज्वला योजना थी आप बताएं मेरे को? पहले भी राशन मिल रहा था। पहले जो राशन मिल रहा था, लेकिन पहले मैं राशन की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले गैस 300 रुपए की मिलती थी, आज वो 900 रुपए की होगी। उज्ज्वला में एक बार आपने निशुल्क दिया, दूसरी बार तो उसको भराना ही है, वो कहाँ से नहीं। आपने देखा होगा 8 महीने लगातार जब हमारा कोविड का कठिन समय था, तब उज्ज्वला योजना में किसी से कोई पैसे नहीं लिए, उनको छूट दी गई। चलिए, ये आप कह रहे हैं, मुझे मानना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। जी जी। और क्योंकि बातचीत का दौर बहुत हो गया, अब ये भी सुनने में आया कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और कैंट से तैयारी इस बार आपकी पूरी है, तो क्या उम्मीद लगती है कि जो 10 बार के विधायक थे, अब पार्टी उन्हें इस बार आराम देगी और नए युवा को मैदान में उतारेगी? देखिए, वो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की, पदाधिकारी या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी की अपेक्षाएं रहती हैं कि वो भी आगे बढ़े। मैं भी लगभग 35-36 साल से संघ संगठन में सेवा भाव से काम कर रहा हूं और अपने क्षेत्र की जो 21 देहरादून कैंट विधानसभा है, उसमें मैक्सिमम क्षेत्र पुराना जो हम यहाँ के मूल हैं, कावली क्षेत्र, प्रेमनगर, कौलागढ़, गढ़ी, पटेल नगर, ये आता है। तो बहुत से लोगों का भी मन है और मेरा भी मन है कि एक बार अगर जो शीर्ष नेतृत्व मेरी काबिलियत को देखते, मेरी मेहनत को देखते अगर जो मौका देगा, तो मैं भी एक अच्छे और सच्चे मन से एक विधायक अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा के लिए क्या कर सकता है, ये करने का मन मेरा भी है। अगर जो शीर्ष नेतृत्व मौका देगा तो आप लोगों के सहयोग से। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की मैं बात करूं, जो मौजूदा विधायक है, 10 बार माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से 8 बार वो जीते, 8 बार के विधायक हैं वो। जी। उनके क्षेत्र की जो मुख्य समस्या थी, अभी भी आप अगर कहीं चले जाएंगे शहर में तो लोग यही कहते हैं कि मन्नूगंज के नाले को लेकर के चुनावी मुद्दा बना करके वो चुनाव लड़े और उसके बाद से लगातार विधायक है, लेकिन अभी तक वो मन्नूगंज का जो नाला है उसकी समस्या से वहाँ के क्षेत्रवासियों को कोई जो है फ़ायदा नहीं मिला। देखिए, पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पहले वो जहाँ से 8 बार चुनाव लड़े वो देरा खास सीट थी। वो देरा खास सीट जब रिजर्व होगी तो परिसीमन में जब नई सीट बनी तो वो 21 देहरादून कैंट विधानसभा बनी। उसमें ये जो उनका पुराना क्षेत्र था वो सारा क्षेत्र लगभग ना के बराबर 90% क्षेत्र वो कटा और उसमें जो 90% नया क्षेत्र जुड़ा है। इसीलिए कहा कि मन्नूगंज के नाले को लेकर के चुनावी जो मुद्दा था उनका, मन्नूगंज का नाला था, परिसीमन के बाद अब वो राजपुर विधानसभा में आ गया, लेकिन विधायक तो वो है। सरकार जो है 2 बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी, लेकिन उस मन्नूगंज के नाले का कोई भी लाभ जो है वहाँ के क्षेत्र वालों को, उनको नहीं मिला। देखिए, ये उनकी अपनी कार्य करने की एक अलग शैली है, उन्होंने भी काम बहुत किया है, ऐसा नहीं है, वो हमारे पार्टी के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ हैं। लेकिन अगर जो आप मेरे को संघ संगठन के आशीर्वाद से मेरे को मौका मिला, तो जब कभी मैं आप बनने के बाद अगर जो शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया, तो आपको ऐसी शिकायत मेरे से सुनने को नहीं मिलेगी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक बार एक विधायक अपने क्षेत्र में कैसे चहुमुखी विकास के लिए दिन रात मेहनत करता है और कैसे क्षेत्र की पब्लिक दिन रात उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है। ये काम कब होता है? जब हम निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, राजनीति को अच्छे और सच्चे मन से करने के उद्देश्य से अगर जो आएंगे। कि पहले आपने देखा होगा कि राजनीति में, शिक्षा में, चिकित्सा में और राजनीति में अच्छी सोच के, अच्छे लोग, संपन्न लोग अच्छे मन से आते थे कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया तो हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी मन से हम भी राजनीति में आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं संघ संगठन के नेतृत्व में नेक नीति, ईमानदारी से, अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज आपके सामने बैठ के स्टूडियो में मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है। रही बात हमारे वरिष्ठ व्योवृद्ध जो हमारे विधायक हैं 8 बार के, उनकी अपनी एक कार्य शैली है और यह उनका अपना निजी वो होगा कि वो मन्नूगंज के नाले को क्यों नहीं बना पाए या वो क्यों, किन परिस्थिति में नहीं बन पाया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब वो नाला जो था वो कवर्ड हो रहा है, खजानदास जी हमारे वहाँ से विधायक हैं और वो जो एक समस्या थी आज उसका निवारण भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
बहुत आराम से और बहुत अच्छे से सबको साथ लेके हो रहा है, जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। और इसमें कहीं ना कहीं उन विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की भी और वर्तमान विधायक जी का भी बहुत योगदान है। आखिरी सवाल है, क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत सारी मलिन बस्तियां भी हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो मलिन बस्तियों का विनीतीकरण करेंगे, सौंदर्यकरण करेंगे, तो वो सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अब चुनावी मोड में जो है सरकार जाने वाली है, जब काम करने का मौका मिला तब तो नेतृत्व तो परिवर्तन हो गया, अब कैसे लगता है कि पॉसिबल है कि जो 7-8 महीने हैं, 10 महीने हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? देखो, जब करने का मन होता है तो आदमी जब 24 घंटे में से 18 घंटे कमर कस के काम करेगा तो कोई काम दूर नहीं है, आदमी चांद तक पहुंच गया, तो ये तो बहुत छोटा सा काम है। और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी को और अपने संपूर्ण जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो ये बेसहारा बेरोजगार थे, इनको जो सिर छुपाने की जगह मजबूरी में लोग नदी नालों के किनारे बैठे, कोई अच्छे मन से संपन्न लोग नहीं बैठे, मजबूरी में बैठे। आज मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि वो जो नदी नाले हैं उनका जो पानी का प्रवाह है वो ना रुके, हमारी देहरादून की सुंदरता भी बनी रहे, हमारा जो एक स्वच्छ दून, सुंदर दून और जो स्मार्ट सिटी का नारा है वो भी पूरा हो, और जो तीरथ सिंह रावत जी ने मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए पहल की है, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की है कि 8 महीने का, 9 महीने का भी हमारे पास चुनाव आचार संहिता लगने से पहले काम है, तो उसमें अगर जो हम कमर कस के तैयार हो जाएं तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। और ये मात्र चुनावी घोषणा नहीं है, ये उन्होंने बिना किसी उसके अपने अच्छे और सच्चे मन से काम किया, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों की पार्टी है उसमें यही है कि पंक्ति में खड़े पिछले पिछड़े अभावग्रस्त और वंचित व्यक्ति को जब तक हम सर छुपाने के लिए जगह नहीं देंगे, जब तक हर हाथ को काम और हर खेत को पानी नहीं देंगे, जब तक प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना के अपने समकक्ष खड़ा नहीं कर देंगे, तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और मैं तो यह भी चाहूँगा कि जिस प्रकार से मलिन बस्तियों के विनियमितकरण की बात आई, ऐसी हमारे कैंट विधानसभा में टीचर्स कॉलोनी गोविंदगढ़ में भी कुछ लोग हैं जो बहुत समय से 40-45 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनको अभी मालिकाना हक नहीं मिला, उनको भी सरकार मालिकाना हक दे। और जो प्रेमनगर में मेरे अपने उस समय के रफूजी जो पंजाबी भाई आए हुए हैं उस समय जो पाकिस्तान से, आज हमारी केंद्र की सरकार ने कहा कि जो बंटवारे के समय जो हमारे लोग रह गए थे उनको भी हम भारत में लाएंगे और उनको ससम्मान रहने का अधिकार देंगे। तो प्रेमनगर में जो हमारे उस समय के आए हुए लोग हैं उनको भी, उस समय से वो यहाँ रह रहे हैं, अभी सड़क चौड़ीकरण के नाम पे कुछ दुकानों का नुकसान हुआ, मैं चाहूँगा कि उनको भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से स्थापित किया जाए और जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी मालिकाना हक मिले। जैसे मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण और सौंदर्यकरण की बात हुई, ऐसी टीचर्स कॉलोनी गोविंदगढ़ और जो हमारे प्रेमनगर में रह रहे या और भी पूरे प्रदेश में जो ऐसे रह रहे जो उस समय विभाजन के समय आए थे, उनको भी रहने का, जो वो रह रहे हैं वहाँ पे ससम्मान रहने का मालिकाना हक मिले। तो मैं अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों का से निवेदन भी करूँगा और प्रयास करूँगा कि अगर जो ये काम हो जाए तो उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जाहिर सी बात है, ये प्रयास आपका मुझे लगता है जारी रहेगा और ये उम्मीद भी की जा रही है आपकी तरफ से कि आपको टिकट मिलेगा, और जिस तरह के समीकरण है उससे लगता है कि आपको टिकट मिलेगा और ये उम्मीद भी है आपको कि आप विधानसभा पहुँचेंगे। जो बेबाकी के साथ जोगिंदर पुंडीर जी ने अन्य बात में जो सवालों के जवाब दिए हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो बात यहाँ पर कह के गए हैं इसको लगातार करते रहेंगे, जो तमाम सवाल हैं जिन सवालों से नेता भागते हैं उन सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया है, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनन्य बात में हमारे साथ जुड़े, आप देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।